Legend! अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। और आज क्या सेट बनाया है आपने यार, इंडिया के जीतने के ऊपर जबरदस्त। इंडिया के जीतने पे नहीं भाई, मैच कुछ यार, क्या मैच हुआ है यार भाई, यार लगी दिख रहे हैं, लगी दिख रहे हैं, बोलने तो दे यार। नहीं डॉक, गुड लक। आज वर्ल्ड कप शुरू हुआ जी और आज वर्ल्ड कप खत्म हो गया। अमेजिंग गेम ऑफ क्रिकेट। और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने यकीनन ये कहा कि ही इज प्राउड ऑफ हिज बॉयज कि आपने कम्पीट किया एंड probably one of the finest T20 international matches. और पाकिस्तान इंडिया की जो मैचेस का मैग्नीट्यूड होता है उस पर आज राशिद सिब्बी और कमरान मुजफ्फर मेरे साथ, इनसे बिल्कुल बात होगी। लेकिन ये गलत नहीं होगा ये कहना कि हमारी स्टोरी ऑफ इन्फ्लिक्शन थी। इस बार शहर के लोग जालिम नहीं थे, कुछ शायद हमने मकअप्स कर दिए। एक तो जो हमने 11 खिलाड़ी खिला दिए, शायद कल गालिबन मैंने एक ट्वीट भी किया था कि अगर हम एक बेस्ट 11 खिलाते हैं तो इंडीड MCG में मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन वी कैन कम्पीट। शायद हम एक फास्ट बॉलर मिसिंग थे, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो मेरे भाई पिछले 3 महीनों से उनका गला रह गया है ऊंची ऊंची बोल बोल के कि भाई एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, और ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर कैसे नहीं खेलते थे। आसिफ अली का अगेन बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आज मुझे उन पर लिटरली अफसोस हो रहा था कि ही इज़ ए प्लेयर यार, बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान खेलते हैं, अब उस पीछे उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है एंड ही हैज़न्ट बीन एबल टू डिलीवर। क्या उनका कसूर है या जो उनको टेस्ट एंड ट्रेबुलेशंस में बार बार धकेल रहे हैं उनका कसूर है कि पीछे का गेंद नहीं खेला जाता, हिट नहीं लगती, रन्स नहीं हुए? तो ये प्रॉबेबली उस लड़के के साथ ज्यादती है यार, सारे सांझे होते हैं ये प्लेयर्स जो पाकिस्तान के हैं, उनकी जगह कतान नहीं बनती थी और वहाँ पे शायद वसीम जूनियर खेलते थे। जनाब राशिद लतीफ साहब, इस पर डॉग मैच बहुत अच्छा हुआ अभी पाकिस्तान की आने से पहले। नहीं अभी तो ये स्टार्ट ही विराट कोहली पे होना सर। उफ, अच्छा सर, एक मिनट, दोबारा है, दोबारा आना पड़ेगा। इससे खूबसूरत इनिंग्स, राशिद भाई ने रिव्यू ले लिया, रिव्यू ले लिया, इससे खूबसूरत इनिंग्स, इससे बड़ी इनिंग्स, चाहे वो साइकोलॉजिकल देखें, स्किल सेट पे देखें, जो उन्होंने हारिस रऊफ को फ्लिक पे छिक्का दिया, मतलब हारिस रऊफ इज नो ऑर्डिनरी मॉडल, और जिस तरह वो लेके चले हैं, सिंगल एंडेड आप कह सकते हैं, ठीक है उनको बहुत सपोर्ट किया हार्दिक पांड्या ने, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट T20, बल्कि वन ऑफ द नहीं, मैं शायद आज कैटेगोरिकली कह दूंगा इट वॉज द फाइनेस्ट T20 इंटरनेशनल इनिंग इन ए विनिंग कॉज एंड कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। इसमें आप ये कह सकते हैं डॉग के ना, इतनी अच्छी इनिंग इतने ज्यादा लोगों ने एक साथ कभी भी नहीं देखी, नहीं देखी होगी, इतने व्यूवरशिप होती है इंडिया पाकिस्तान, लाख तो उधर बैठा हुआ था बॉस, और जिस तरह से कामनेस में बैटिंग की है दोनों ने, ग्लेशियल, और इतना बड़ा मैच उसको मजे से लेके जाना और जीतने के बाद भी कूल रहना, चुक पहचानी सी रोहित शर्मा, वन ऑफ द जो आपने चुक लिया था, एक उन्होंने शॉट मारी, शॉट तो बहुत सारी, लेकिन एक जो हारिस रऊफ को स्लो वन के ऊपर ना उन्होंने यहाँ से पंच किया है, वो ऐसा पंच था सर, आउट कर दिया, हालांकि वो बाउंस हुआ है सर, वो उसको फिर खेल गए हैं यार, मतलब कमाल था। ये आप कह सकते हैं कि एक चीज इनके पास थी, आर्ट था जो कि ले लिया गया था, ये वापस दे दिया गया इनको, और जिस तरह से बैटिंग फ्लो में की है लास्ट ईयर से, अगर देखें आप, सूर्या कुमार यादव का बहुत नाम चल रहा है, KL राहुल का बहुत चल रहा है, रोहित शर्मा का चल रहा है, ये थोड़ा नीचे चले गए थे, लेकिन जो इनिंग्स आज इन्होंने जो बैटिंग की है ना, ये टॉप 10 में नहीं आ रहे, कितने सारे जो बुत थे बड़े क्रिकेट के, आज भी गिरे, कल भी गिरे थे, जब सब गिर गए तो विराट कोहली सामने आए। और मैं आपको एक काम ही भाई, आपको एक चीज बता दूं कमान भाई, कि मुझे इन्होंने कुछ, मैं बड़ा डिस्टर्ब था, विराट इज माई फेवरेट प्लेयर यार, किसी का भी होगा इतना खूबसूरत खेलता है, मैंने इनको फोन किया, मैंने यार ये क्या हुआ है, साइकोलॉजिकली तबाह हो गया, क्या हो गया, मुझे आगे इन्होंने जवाब, जो अपना स्टाइल है इनका, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में देखना, ये 6 महीने पहले कहा था इन्होंने, 6 महीने हो गए, 6 months, यार। और आप क्या कहते हो इस पे, विराट पे सिर्फ बोले अगर? नहीं, विराट पे मतलब हमने सचिन देखा है, हमने धोनी देखा है, हमने इंडिया से मैं अगर बात करूँ, हमने सुनील गावस्कर देखे हैं, हमने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स उनके देखे हैं, लेकिन VVS लक्ष्मण देखे, राहुल द्रविड़ देखे, बट दिस गाय इज एक्सेप्शनल, इन ह्यूमन हरकतें कर रहे हैं यार, आज की जो इनिंग्स थी, काम कूल, क्या कहते हो? नहीं, विराट का देखें, बहुत सारे लोगों को मिसपरसेप्शन ये थी कि विराट आउट ऑफ टच है, मैंने एशिया कप के अंदर भी ये कहा था कि वो आउट ऑफ टच नहीं है, आउट ऑफ लक है, और जिस वक्त उसको लक उसकी तरफ हुई तो वो जिस तरह की परफॉर्मेंस करेगा वो सब देखेंगे। और आज जो है देखें, कोई स्ट्रीकेश या फ्रीकेश कोई आउट नहीं हुआ और वो आखिर तक मैच बना के ले गए,
और जिस तरह की इनिंग्स खेली है, और सबसे ज़्यादा जो मज़े की जो चीज़ थी ना, जिस तरीके से आज उन्होंने चेज मास्टर की तरह जिस तरीके कंस्ट्रक्ट की है चेज, और शुरू की 24 बॉलों के ऊपर उनके 14 रन थे, एक भी बाउंड्री नहीं थी, फिर उसके बाद अगली जो 29 बॉल उन्होंने खेली है, 5 जो ओवर खेले उसमें 68 रन किए, 235 का स्ट्राइक रेट। और जो उसमें सबसे जो खूबसूरत जो चीज है कि आखिरी 5 ओवर में 60 रन रह गए, 2 ओवर खेले जिसमें 6-6 रन गए, जल्दी नहीं की, और 3 ओवर में 48 रह गए, पता था आखिरी ओवर जो 1 ओवर नवाज से करना है, कह गए पोस्ट मैच में, नवाज है, मैंने कहा था लूट लेंगे, नहीं वो तो कह गए, वो तो खेल रहे थे, लेकिन देखने वालों को भी पता था एक ओवर बाकी है, लोग इतने अवेयरनेस है कमेंटेटर्स के अलावा। और ये इतना क्रिटिकल पॉइंट है कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था, इफ्तिखार ने जब असॉल्ट किया 21 रन पड़े, फिर अनएक्सपेक्टेड असॉल्ट 12वें ओवर में, मैं नहीं सोच सकता था बेचारे केएल राहुल को हवा में उन्होंने तैरना सिखा दिया, वो जो छक्के दिए उन्होंने, मैं खैर 21 किया उन्होंने, 21 किया अक्षर को, हाँ 3 छक्के उन्होंने मारे, इधर से जब अटैक किया तो अब पाकिस्तान के लिए तो छठा बॉलर है ही नहीं, तो यहाँ पे इंतजार में हो गए ना, वहाँ पे तो लेकिन राशिद भाई से एक चीज पूछते हैं ना, अक्षर को जब 12 अपने 12वें ओवर में मार लगी है, उन्होंने उसको छुपा लिया, बिकॉज दे हैड द लग्जरी कि हार्दिक भी था, 3 सीमर्स भी थे, अर्शदीप भी था, भविष्णु कुमार भी था, शामी भी था, हम लोगों के वाई नॉट के डू यू थिंक कि ये टेक्निकल आप कह सकते हो कि एक मकअप हुआ है, एक ब्लंडर हुआ है कि आप पता होना चाहिए था कि विराट इज में शादाब के अलावा किसी ने अच्छी बॉल नहीं की, अगर अश्विन का देखते हैं और साथ में दोनों ने मिल के 44 रन दिए हैं, हमारे एक ही ने 42 रन दे दिए, तो ये फर्क है लो स्कोरिंग मैच में 40-40 रन का, बहुत हैवी है ये फर्क है, बहुत फर्क है। और एक उन्होंने भी मिस्टेक किया, अक्षर पटेल का बनता नहीं था, जब बॉल चल रही है मूव कर रही है आउट कर रहा है हार्दिक पांड्या, तो आप नहीं जाते उसके ऊपर कि एक ओवर करा के हम ख़त्म कर देते हैं, तो वो अभी नहीं पिटे, मिलर ने भी मारा, राली रोसो ने भी मारा, उनको पिछले 2 मैच और चले जाएँ पीछे, स्टैट जो भी है निकाल के देख लें, पिछले मैचेज में भी आखिर में लेके आए, 17-18 ओवर में आया जब भी आया उनको, लेकिन क्या है कि आज की जो थी, आज की पिच इतनी आसान नहीं थी, हमारे बैटर्स टॉप ऑर्डर, दुनिया के टॉप प्लेयर्स देखें 1-2-3 जो आज इस मैच में खेल रहे थे ना, सूर्य कुमार यादव हो जाए, रोहित शर्मा हो जाए, पता ही चला सब कुछ, हमारी इनिंग में तो ज्यादती थी क्या, जो सीम और स्विंग हुआ है, नहीं नहीं उनकी बारी में भी ज्यादा, उनके तो सिर्फ स्विंग हो रही थी, उनके पेस के साथ हो रही थी, हारिस ने जो बॉल किया लेकिन मैनेज जिस तरह से किया था कि सारे मैच एक तरफ हो गए ना, अब आखिर में क्लाइमेक्स था, हार्दिक पांड्या भी जज्बाती प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जिस तरह से मज़े से वो लहराता हुआ पार्टनरशिप जो की है ना, वो कमाल है, ये लर्निंग प्रोसेस किसी के लिए भी कि यार चेज कैसे करना है, तो ये आपके लिए एक वो हो गया, हार्दिक पांड्या 37 गेंदों पर 40 कर रहे हैं कमरान भाई, और मेरे ख्याल में टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, ही इज नाउ सीरियसली थ्रेटनिंग बेन स्टोक्स फॉर द नंबर 1 स्लॉट एज द ऑलराउंडर, आई थिंक सो, अब ये उस पे जा रहा है, नहीं है आपके ख्याल में अब जा रहा है, वो तो है स्टोक्स की T20 क्रिकेट में तो कोई नहीं है, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कह रहा हूं कि तगड़ा है, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स में शायद अभी डिबेटेबल रहे, लेकिन T20 में तो स्टोक्स करीब करीब भी नहीं आता पांड्या के, बिल्कुल ढेर साल तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे थे T20, वैसे भी वो जो स्टोक्स एज ए बैट्समैन तो मतलब T20 में उसने अभी तक इतना ज्यादा अपने आप को प्रूव नहीं किया, पांड्या ने बहुत ज्यादा प्रूव किया, पांड्या करता किस वक्त है When India needs him the most. और आज आप जो फिर एक शायद उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद निगल है, कोई निगल है जो आखिर में थोड़ा सा वो लगड़ा भी रहे थे 18वें 19वें ओवर में, वो थोड़ा सा सिंगल लेते वो भी थे, लेकिन जो एक बहुत अच्छी चीज़ ये कि अटैक उन्होंने शुरू किया था और लेकिन उसके बाद जब कोहली को ये देखा कि कोहली का बल्ला किस तरीके से खुला है तो उसके बाद वो सेकेंड फिडल चलेगा जल्दी नहीं, राशिद कह रहे हैं यार मैं तो एक इंडिया पाकिस्तान का होता देखते हैं शौक से देखते हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ देगा ये मैच कि अगर तो आप अगर देख रहे हो हम लोग मैचअप करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जितने ऑन द डे आपकी लक है ना,
डाटा को साइड पे जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किए इनिंग को, 8 ओवर में 40 रन भी नहीं थे, सोच सकता है कोई? और आप 160 चेस कर जाओगे यार, 15 ओवर में 100 रन, उस इंसान की कितनी काम कर रही होगी, उसको अपना कितना बिलीव होगा, सेल्फ बिलीव था। 4 ओवर में 60 हुआ, ये मतलब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई भी मैच होता है, बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया की, और ये मोमेंटम है इंडिया का, एंड टू बी ऑनेस्ट ये मोमेंटम है इंडिया का, बाकी आप लोग समझदार हैं। To be very honest, जो विराट कोहली की इनिंग्स है ना, ये वो थी एक आई ओपनर के यार, ये भी हो सकता है। मतलब आप कई बहुत बड़े बड़े शॉट्स देखते हैं, बड़ी बड़ी इनिंग्स देखते हैं, देखो एक और बात, ये यही फर्क होता है क्लास प्लेयर का, चाहे वो बाबर आजम इनिंग करें या विलियमसन बैटिंग करें या स्मिथ करें, ये टाइप के प्लेयर बहुत ज़रूरी होते हैं टीम के अंदर, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो हिट मारने जाते हैं आउट हो सकते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्ट करते हैं इनिंग को और उसके साइड अराउंड में जो प्लेयर खेल रहे होते हैं, वो मैं तो यही दोबारा ही बोलूंगा यार, इसमें सीखने को बहुत कुछ। लेकिन राशिद एक चीज़ है कमल भाई, आपको तो बिल्कुल बेहतर पता होगा कि विराट कोहली लव्स बैटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको याद हो एक वनडे में एक्सेप्शनल, ही लव्स बैटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, ये ना भूलें। नहीं वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको याद है श्रीलंका के अगेंस्ट 180 ऑड ओवर में, वो तो कैरियर डिफाइनिंग वो इनिंग्स थी, वो 30 कुछ ओवर्स में 337 ओवर्स में करना था, और वो आउट क्लास इनिंग्स थी, और उसके एक महीने के अंदर अंदर फिर एशिया कप में आके 183 जो किए थे हमारे अगेंस्ट, वो जी बिल्कुल पाकिस्तान के अगेंस्ट, वहां पे ही अनाउंस्ड हिमसेल्फ, तो वहां से वो हुआ था कि ये कोई। लेकिन डॉक आप इंडिया की अगर बात करें, पाकिस्तान के लिए भी कोई परफॉर्मेंस ठीक है, मैच हार गए लेकिन लास्ट बॉल तक गया मैच, लेकिन सिल्वर लाइनिंग है। अगर उस पर अगर मैं आर्गुमेंट करूंगा ना, हमारी अपनी गलतियां, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिसको यूटिलाइज किया उन्होंने, हमारे जो तमाम खदशात थे वो आज सब के सब मटेरियलाइज हो गए, उसके बाद भी मैच आखिरी बॉल तक चला गया। अगर हम उस तरफ से देखें, आपके वो जो टू बैटर्स जो आपकी की प्लानिंग के अंदर लगता था कि 14वीं और 16वीं ओवर तक उनका होना लाजिम मंजूम है, वो 4 ओवर में बाहर चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद आप 160 करते हैं, और 160 करने एक के फर्क आ जाता है, इसमें मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक फर्क आ जाता है, जैसे शान ने बैटिंग की बहुत अच्छी की, बीच में इफ्तिखार ने बहुत आला बैटिंग की, लेकिन एंड तक गए शान, एंड तक गया लेकिन बॉल कम खेली, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉल, सीनियर प्लेयर जो होता है, जो स्ट्राइक जो पहले सेट बैट्समैन होता है उसको ज्यादा मिलती है। विराट कोहली भी एंड तक गया ना, वो भी सेकंड ओवर में आ गया था, शान भी सेकंड ओवर में आ गया, लेकिन उसके 82 रन है, 57 तो वही फर्क है ये पूरे मैच के अंदर मेरे ख्याल से। लेकिन शान को बॉल कम मिली, 11 बॉलिंग कम खेली होती है, तो जब पार्टनरशिप लगती है मिडिल ओवर में तो सेट बैट्समैन ज्यादा खेलता है, वहां पर नए बैट्समैन आए, सब ने अपनी अपनी शॉट्स मारी और आउट होते थे। आज एक और कमाल है जी, वो मिस ना हो जाए बिफोर वी गेट इनटू द मोर इंट्रिकेट डिटेल्स, आज ये क्रिकेट का एक अजीब गरीब मैच था। एक तो एक्सेप्शनल इनिंग्स देखने को मिली विराट कोहली की, उसके बाद आज हमने पहले एक बम कैच विराट कोहली ने किया रिजवान का, फिर उन्होंने बता दिया कि यार भाई ये आगे लग गया है, फिर एक शान का कैच जो एस्ट्रेल ने किया, वो एक्चुअली उनको पता नहीं लगा, वो कमिट कर गए, बाद में वो थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, फिर एक रन आउट कोहली ने मिस कर दिया, फिर ये जो आपका 22 वाला आखिर में हो गया है, वो जो फ्री हिट वाला जो कि बिल्कुल ठीक था रूल के मुताबिक था, फिर एक ये जो नो बॉल हो गई जो कि उससे पहले हुई है, नो बॉल का जो है ना, स्क्वायर लेग अंपायर नो बॉल का जो है ना, वो थर्ड अंपायर को नहीं जा सकता अनलेस कि आउट ना हो बैट्समैन। ओके, ये रूल है कि अगर आउट हो गया तो वो ऊपर जाएगा, वरना फील्ड अंपायर देगा उसको डिसीजन, तो फील्ड अंपायर शायद थोड़ा सा चेंज इसमें आ गया है कि कोई चेंज नहीं आया, ये अभी की बात है, अभी रुकी हुई ठीक है। और जो एक और चीज भी आपको क्लियर कर देनी, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत आ रही है कि जो फ्री हिट पे अगर बैट्समैन जो है वो कॉट हो जाता है, कैच हो जाता है, मारता है और वो रन ले लेता है, वो रन बैट्समैन को ऐड होता है, और अगर बैट्समैन प्लेड ऑन हो जाता है, बोल्ड हो जाता है फ्री हिट पे, बट प्लेड ऑन होता है और फिर रन के लिए भागता है, वो रन बैट्समैन के लिए ऐड होता है, लेकिन अगर वो बोल्ड हो जाता है और उसका कोई टच नहीं हुआ था बैट्समैन का, और वो जो रन भागते हैं वो एक्स्ट्रास में जाते हैं, वो 22 होते हैं, जो कि आज हुआ, सो देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट डिसीजन। बेसिकली आसानी के लिए ये है कि जब फ्री हिट होती है उस वक्त विकेट्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, लेकिन डेड बॉल नहीं होता, नहीं नहीं उसकी कोई हैसियत नहीं होती। हाँ, exactly. नहीं, सोशल मीडिया पे एक ही दौर देख रहा था कि बॉल को दिखा रहे हैं लगते हुए, जब बॉल टच हो गई ना वहाँ से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि वेस्ट साइड, अगर आप मैंने अभी फरूख भाई की तस्वीर भेजी है, अगर है तो वो लगा के दिखा दीजिएगा, वो वेस्ट थी, वो ठीक नो बॉल दी है वो, और वो शायद विराट ने भी पहले भी मांगी थी, वो मिली नहीं, दूसरी मांगी उनको वो मिल गई, बट एनीवेज लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, और दोनों तरफ लकी रहे जी, आज ऐसा शान मसूद लकी रहे, इफ्तिखार प्लेड आउट ऑफ हिज स्किन, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमने फिर वो जो विकेट्स लूज किए हैं वो जरा दिखाइएगा,
अपना कमरान भाई, जो आप आपने कंपैरिजन बनाया हुआ है वो पावर प्ले का और मिड लोगों, उसको जरा दिखाइएगा। अब अगर ये पावर प्ले के डिफरेंट वो जो ये होती है ना इनिंग कंस्ट्रक्ट किस तरीके से हुई है, तो हम अच्छा ये राशिद भाई वाली तस्वीर आ गई जी मेरे कान में, चलें वो ये 90 डिग्री ये बॉटम से बॉल की बॉटम से लिए है, तो वेस्ट साइड जो थे ये और इसके टॉप पे चले जाएंगे बॉल के तो और ऊपर चली जाएगी। ये कनेक्शन है, यहाँ से आप मेजरमेंट शुरू होती okay. है, आप नीचे नहीं लेके जाएंगे डी आर उसकी तरह ना कि बॉल ट्रैकिंग की तरह नीचे की तरह, जहाँ पे कनेक्ट हो गई तो वो मेजरमेंट का पॉइंट आ गया, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। लेकिन अर्शद भाई इसमें इसमें जब हम ये कहते हैं कि नॉर्मल स्टैंडिंग, मैंने उसको साइन भी किया है, कोई चोरी ना कर जाए, सही किया मैं लोगों के लिए, जो तस्वीर मेरे म्यूजियम में जा रही है साइन हो गया ना भाई के, मुझे भी ले चलिएगा। जो आपने कल मुझे एक वो एक तखलीक दिखाई है वो बचपन की 1975 की, बाद में करेंगे बात, उस पर अच्छा मैच चल रहा है, वो भी यूनिक है, पब्लिसिटी छोड़ दे शो पे आ जाए, आप अपने अपने कारोबार में लग गए, सर मैं लोगों को लोग देखना चाह रहे हैं बहुत ज्यादा तकरीबन, मैं क्वेश्चन मेरा ये था, 14,000 लोग देख रहे हैं आपको इस वक्त माशाल्लाह। राशिद भाई क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर वो तस्वीर अगर हम दोबारा देखें ना, तो उसमें जो डेफिनेशन होती है लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये है कि नॉर्मल स्टैंडिंग, अब देखें ये क्रीज से भी बाहर खड़ा हुआ है ठीक है, तो जनरली ये होता है कि ये पॉपिंग क्रीज के ऊपर बैट्समैन खड़ा हो और अपराइट खड़ा हो, तो वहां से जो डीके ने शॉट मारी थी वो निकल के राउंड हो गई, तो उस पर कैलकुलेशन नहीं होती क्योंकि आप विकेट पिच से निकल गए, तो ये भी क्रीज से आगे नहीं है, ये नॉर्मल खड़े होके फ्रंट फुट पे मारी है ना ये, तो ये कैलकुलेट होगी। आपने देखा होगा जब उसने मारी दिनेश का, तो वो बहुत ऊपर थी, लेकिन ना किसी ने मांगी ना कोई बोला, उसने मांगी थी अंपायर ने दी नहीं क्योंकि वो बाहर निकला हुआ था, चमाट नहीं मारा उसको यार, आज वो बिल्कुल ही फारिग था बेचारा, कंफ्यूज नहीं सर, प्रेशर 1,90,263 लोग थे सर, आप नहीं, वो कंफ्यूज क्यों था डॉक, कंफ्यूज इसलिए था कि दूसरे एंड के ऊपर जब कोहली इस तरीके से खेल रहा हो तो बड़े से बड़ा बैट्समैन कंफ्यूज हो सकता है कि मैंने मैच खत्म करना है या उसको देना, जो रविचंद्रन अश्विन ने वाइड ली है वो बड़ा जीनियस काम किया, इंजीनियर टाइप का बहुत शार्प है और कोई ना कोई ऐसी अनोखी हरकत करेगा, बहुत प्रेशर वाला मैच था, उसके अंदर आप बॉल को लेफ्ट कर दो वो पैच पे भी लग सकती थी ना, लेकिन वही कर सकते, और सर इतना प्रेशर था कमरान भाई कि वो पहले विनिंग रन मार के भाग गया, देन ही रियलाइज कि मैंने वापस आके कोहली ने भी जो फील्ड रन पानी, ही केम बैक अगेन, जहाँ पे आज इंडिया जहाँ पे आगे लगा ना उनकी एंटिसिपेशन, क्योंकि देखिए स्किल सेट तकरीबन बराबर बराबर होता है, लेकिन जितनी एंटिसिपेशन थी आपको डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम में लगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के प्लान से थोड़ा आगे थी, एक्सेप्ट जब इफ्तिखार के वो एक दो ओवर लगे जहाँ पे उसने गेम पकड़ के पकड़ा है, मतलब जो कहते हैं ना गेम पकड़ा है, बाकी पूरे गेम के अंदर इंडिया जो है वो गेम को ड्राइव कर रहा था, पाकिस्तान चेस कर रहा था। अच्छा सर, आप दोनों ने एक चीज और नोट की कि हालांकि शहनशाह अफरीदी काफी टाइम के बाद आ रहे थे अपनी इंजरी रिकवरी के बाद, दोनों केएल राहुल और रोहित शर्मा वो स्केप्टिकल थे, वो परेशान थे, उनको गेंद अंदर आने वाला जो पिछले याद थे, बताऊं क्या है ना वो एक शाहीन से आने से पहले एक और चीज बात, हमारे 159 रन थे जिसमें से 22 रन आपके शाहीन अफरीदी और हारिस रोक ने बनाए, बड़े कमाल हैं यार वो हो गए, बाकी इनकी बात थोड़े प्रेडिक्ट हो चुके हैं ये कि नया बॉल यॉर्कर करेंगे आगे से करेंगे, स्विंग मिली नहीं, टू अर्ली राउंडर्स सम चले गए, वहाँ से अगर लाइन की लाइन में अगर बॉलिंग करेंगे विराट कोहली जैसे प्लेयर को सामने से आ जाएंगे तो उसको तो लाइन में बॉल चाहिए, थोड़ा इधर से होके थोड़ा राउंड द विकेट जो ओवर द विकेट बॉल कर रहे थे वहाँ से थोड़ा चांसेस थे, लेकिन यहाँ से ओपन हो गए, जो बॉल अंदर आएगी वो फ्लिक कर जाएंगे, लेकिन आपको आउट ऑफ रिदम नहीं लगे आज शहीन यार, बहुत थोड़ा रेस्टेड थे, बहुत अर्ली खिला दिए, नहीं अर्ली नहीं, अरसे के बाद वापस आते हो, पहला मैच है, मैच प्रैक्टिस है नहीं आपकी, बॉस नहीं खिलाना चाहिए था, नहीं नहीं ठीक है अभी आगे आपको जरूरत पड़ेगी, साउथ अफ्रीका का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा सा ऊपर का सोचे, चलो छोड़े ये इसी मैच के वाले से बात करो, ही इज द योर फाइनेस्ट प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड यार, इसको प्रिजर्व करना, यंगस्टर है 22 साल का यार, टूर्नामेंट जाते जाते प्रिजर्व किस लिए करना सर, अभी जो आया है इंजरी क्लिप करिए करना ना, इंजरी हो गई नहीं नहीं ये नहीं, वो आपकी वो आपका आर्गुमेंट सही है डॉक,
लेकिन देखें आप जो अपने एसेट डेवलप करते हैं वो किस लिए करते हैं, बिग स्टेज के लिए करते हैं ना। यस, आपने उसको पहले जो सीरीज खिलाई वो गलत खिलाई, आप कैरी करते रहे वो सब गलत हुआ, लेकिन ये तो बिग स्टेज है। मैं अभी आपको एक और चीज बता दूं, आप ट्रेनिंग भी कराते रहे टीम के साथ, वो सब कुछ हुआ वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये बिगेस्ट स्टेज है किसी भी। नहीं नहीं, आप कल कराते रहे ट्रेनिंग, शटल जो स्प्रिंट लगवाते रहे इनको, तो बहुत हो रहा है। जिस दिन आपको चलेंगे आगे चले, इसमें वो जो ब्रेक डाउन है जो हम कह रहे हैं ना कितना नेक टू नेक, तो वो वही अगर नंबर्स में भी क्विकली अगर हम देखें के आपको रोक रहा हूँ, पूछें क्यों, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो चैनल में ना बात कर रही है वो यह बात कर रही है विराट कोहली की, क्योंकि ही प्लेड एक्सेप्शनली, या हार्दिक पांड्या की, और कुछ लोग वो चार छक्के याद कर रहे हैं इस प्रकार के। वेयर इज शान मसूद, जरा कमेंट करें आज के मैच में, लकी था, बहुत लकी था यहाँ तक लेके आने में। शान मसूद का बहुत किरदार है। एग्जैक्टली, अगर वो देखे सबने तो वो उन्हें हौसला हारा नहीं, उन कैलकुलेशन उनकी भी थी, लेकिन थोड़े से ये था कि बहुत ज़्यादा नहीं थी कि 175 ले जाएं, 180 ले जाएं, क्योंकि उनके साथ के जो प्लेयर थे वो हार मान चुके थे, बड़ी बड़ी हिट मार के वो आउट हो चुके थे, तो लेकिन फिर भी जो रन बन गए वो इस पिच के ऊपर, विनिंग नहीं तो फाइटिंग टोटल तो था, तो क्रेडिट किसको जाता है, शान मसूद को, नो डाउट उसका हम क्रेडिट इफ्तिखार का अपना अपनी जगह पे, ऑफ कोर्स, लेकिन जो मेजर फास्ट बॉलिंग जो फेस किया वो तो शान ने और उस वक्त किया जिस वक्त सांप सूंघ रहे थे, जैसे भी है वो तो खेलना उसको है, सांप हो या डेरी हो, पैड ज्यादा खेले, लेकिन ये दोनों ने अच्छी बैटिंग की, और अंदर आने वाले मैचेस के लिए ये पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है कि इफ्तिखार और शान दोनों ने बहुत बढ़िया बैटिंग की है। अब एक जल्दी से मुझे चीज बताएं, और आपने डक नहीं करना, क्या हम फिर आसिफ अली को देखेंगे? ये उनके मैं आसिफ अली का कोई फैन नहीं हूं, लेकिन आसिफ अली को हम देखेंगे, पूरा टूर्नामेंट देखेंगे। देखिये ये वसीम जूनियर को क्या करेंगे, रेडी लगवाएंगे बार? नहीं, वसीम जूनियर की जो जगह बनती है वो हैदर की जगह बनती है, आसिफ जगह थोड़ी बनती है। आसिफ और हैदर में क्या फर्क है? ये फर्क है कि हैदर को आप पूरी, आपको हैदर की जगह पे शान आए हुए, फखर की जब जगह वकेट हुई है उसके बैकअप में हैदर आप लेके कैरी कर रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, फखर फिट हो जाते, अच्छा फखर फिट हो गए। आप मुझे ये बताइए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अभी हम आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये बताइए कि छठे नंबर के ऊपर या जो पावर फिनिश की जो उस स्लॉट के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, चाहे जितने भी डॉक, तो फिर मेरे ख्याल में वसीम भाई को भी बैट करवा देते हैं। जो टीम में उसी में बात करेंगे ना, जब हम एनालाइज करेंगे जो स्कोर पे, किसे जस्टिफाई नहीं होता, आई टोटली डिसएग्री, आसिफ जस्टिफाई नहीं होता। सर देखें, आपने इतने अरसे जब एक प्लेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, सर अब क्या निकालना है उसमें से, परफॉर्मेंस निकालनी है कि नहीं निकलेगी ना 18, अब यार यूं करके बॉल ये सब बातें डॉक, ये सब बातें टूर्नामेंट के बाद होती है, आप सफर के बीच में जो है वो ड्राइवर वो स्टीयरिंग नहीं छेड़ते, चाहे जैसी भी चल रही हो, एक किनारे तो पहुंचे। सर आपने गलत बिठाया, हो सकता है आसिफ के, नहीं हो सकता, आसिफ के करियर का यार टूर्नामेंट नहीं हो सकता बॉस, ये जो मर्जी करते हैं, क्योंकि 17 इनिंग्स हो गई हैं यार, जिन्हें अथो नाच जाए यार, ये तो नहीं हो सकता ना भाई। बाकी पहली बॉल उमर आपको थका हो जाता है, कोई ऐसा भी बाकियों के टुंटनों में भी लगी है या बाकियों ने कौन से तीर मार के आ गए ना, उनके पास परफॉर्मेंस अच्छी है इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे, मैच तो उन्होंने भी हरवाया ना, ऊपर से दो फारिग हो गए, खत्म हो गया गेम आपका, कोई बात ही नहीं करेगा। ऊपर से क्यों फारिग होते हैं? आप एक बॉल जिसके खेली जो आउट ऑफ फॉर्म है, रन ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर पूरा मैच नहीं डाल सकते आप। चलो ठीक है, नहीं डालते, मैच वैसे नहीं डाला, टीम में नहीं डलते वो, नहीं डलते वो अलग चीज है, ठीक है ना डाले वो लोग, चले कामी भाई, लेकिन हम तो नहीं, हम काफी कर भी चुके हैं, डिस्कशन भी हो चुकी है, तो वो जो क्विक एक वो था तरीके से भाई, तो ये ब्रेक डाउन है, अगर देखें कितना नेक एंड नेक ही चला है, और कुछ जगहों पे तो पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर ही किया, अगर बाउंड्रीज वाले बेहतर है, 36 से 22 डॉट बॉल है, हाँ जी हटो बचो जनाब, तो ये और उनके डॉट अगर मैं देखूं तो 17, 18, 35, 38 उन्होंने कम खेले, हमने 7 ज्यादा खेले हैं डॉट बॉल्स, तो ये अभी अगर आप देखें तो वो जो आपको साइड में दिख रहा है 32 पे 2, और फिर इस तरीके से ना 84 पाकिस्तान ने मिडिल ओवर में 84 रन किए, 75 उन्होंने कैचअप जो है वो फाइनल ओवर्स में किया, तो इतना ज्यादा डिफरेंस वो रहा नहीं,
लेकिन जो एक चीज़ है कि अगेन जो ब्रिलियंस थी और पाकिस्तान की जो प्लानिंग आज एक्सपोज हुई है, जो क्रिटिकल पॉइंट था वो जो अगर हम करना चाहें बेसिकली ये, अगर आप देखें ये थोड़ा सा ये वाला व्यू जो है ये आपको मैच खोल देता है। ये हमारे ओवर्स हैं, उनके ओवर्स हैं जी, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे ओवर्स हैं पाकिस्तान के, राइट साइड के ऊपर इंडिया के। अब आप ये देखें दोनों टीम्स ने 12वें ओवर में उन्होंने टेक ऑन किया है पाकिस्तान ने 12वें ओवर में, 21 हुआ इधर से 20 हुआ, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या थी वहां पे अक्षर पटेल ने किया, उसके बाद उन्होंने कोई ओवर नहीं किया, पांड्या ने कवर अप किया वहां पे, उनके दो बॉलर्स ने, दो स्पिनर्स ने सिर्फ 4 ओवर्स किए। पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि नवाज को उस वक्त तो निकालना पड़ा लेकिन उनको फिर आखिरी ओवर में लाना पड़ा। तो ये वो जगह है जहां पे शायद पाकिस्तान इस वक्त अपना जो भाई अगर आप देखो तो वो बहुत लीड ले गए हैं यार। ये जो नंबर दिखा रहे हैं ना 17, 15, 16, 16, 15, 17 यही एग्जैक्ट, ये कमाल हो गया। नहीं नहीं, उसने न्यूजीलैंड के ओपनर ने बनाया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 16, 15, 17 तीन ओवर की शुरू में, उसने 3 ओवर में 45 के लिए आखिरी 48 बने, तो तीन कहां से बनाए उन्होंने ओवर, विराट कोहली बना सकते हैं पाकिस्तान डोमिनेट करता रहा बीच में सर, ऐसा वैसा काफी आखिर तक डोमिनेट किया पाकिस्तान, क्योंकि क्योंकि देखिए वो पावर प्ले में तो दोनों 31-32 थे लेकिन 10 ओवर में पाकिस्तान 60 था और इंडिया 45 पे 4 हो गया था, 15 रन का डिफरेंस आ गया था। सर मैं तो ये हैरान हूं, कैचअप उन्होंने आखिर में किया। सर मैं तो ये हैरान हूं यार, छोड़ दो, हुआ प्रॉब्लम कहां पे हुई, कहां पे मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से मैच इतना लंबा चला गया, दोनों से सवाल है। अच्छा मतलब जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ नहीं, इंडिया से हुई है, वरना तो ये मैच इतना लंबा जाना नहीं चाहिए, तो आपने ऊपर के पाकिस्तान से मेरे ख्याल से आपको मेन स्ट्राइक बॉलर लेके आ जाना चाहिए। सवाल मैंने पूछा आपसे, जवाब दे रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं आप सवाल ना पूछो, मैं एक ओवर ना कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेना चाहिए जब आप नवाज, मैं इस मामले में जब हमने क्रिकेट खेली जिनके खिलाफ ना हंसी करोने कैप्टन था यार, वो 50 ओवर था वो जमाने 20 था नहीं, किस तरह से यूटिलाइज करता था अपने आप को या तीसरे बॉल छठे सातवें बॉलर को, जहाँ विकेट गिरती थी ना वहाँ 2-3 ओवर निकाल देता था फौरन, क्योंकि आपको टाइम लगता है उसमें। यहाँ पे जब ये रन नहीं बना रहे थे, इफ्तिखार थे आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इफ्तिखार तो था जिसका इकॉनमी रेट इन दोनों से बेहतर है, ठीक हो गया, तो ये मिस्टेक थी जो कि आखिर तक जाना पड़ा। आप भले 17वें ओवर में छक्के खा जाते तो यहाँ तक मैच नहीं जाता, जब बैट्समैन बैटर को पता है कि वो आखिर तक जा सकता है और आखिर में 25 रन कर सकता है, तो वो फिर ऐसे नहीं मेरे ख्याल में उसमें जो है ना, क्योंकि देखें हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पहली दफा हुआ है या रिपीटेडली हो रहा है, ये कंसेक्यूटिवली दूसरी इंडिया की रन चेज है पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें इंडियन बैटिंग ने फोर्स किया पाकिस्तान को नवाज से आखिरी ओवर करवाने पर, ठीक हो गया, दुबई में भी हुआ। इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो काउंटर हो रही है, यानी कि नहीं आपकी काउंटर बहुत सारी चीज़ एक्सपोज इसमें हुई है, बिल्कुल पहले भी हुई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी लास्ट ओवर ना वो स्ट्रीट क्रिकेट थी, रिजवान कैसे पीछे जा सकता है स्पिनर को, सर मैंने ऑपरेट करा दी वो, अब सब सर जितना तेज भी बॉलर सीम अप करा दिया, आप जा नहीं सकते पीछे क्योंकि विकेट कीपर स्पिनर्स कर रहे होता है ये मेंटली तौर पर, जब विकेट कीपर ऊपर है ना तो बॉलर को पता अपना टारगेट कहाँ है, वो टारगेट मिस कर गया, वो well said. जब वो पीछे चला गया तो टारगेट मिस कर गया, वो उसके पाँव में विकेट कीपर के टांग में मार रहा है ना, विकेट कीपर तो पीछे है तो ये हाइट यहाँ पे आ गई है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। और कभी कभार इसको आउट करने के लिए, जैसे मैंने एक दफा कामली को आउट कराया अता रहमान से, मैं ऊपर आ गया शारजा में उसकी लेंथ पक्की करने के लिए, दो फील्डर गली में लिए क्योंकि वो जाता था यहाँ पे खेलने के लिए, वो गया ना स्टंप करना था ना कॉर्ट में, उसने जाकर दूसरी बॉल मारी सीधा गली में चला गया, क्योंकि आप वो बैट्समैन सर वो उसके लाइन मुझे मैं टारगेट हूँ तो कीपर टारगेट होता है, तो रिजवान गलत सही है समझ क्या आप, नहीं राजीव भाई आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, और उसमें वहां से मेरे ख्याल में बहुत बड़ा टेक्टिकल ब्लंडर किया था, क्योंकि आपने बैट्समैन को एक फ्री वो दे दी, कितने की कर ले नवाज, अगर सीम अप भी कर ले 110-120 पे करेगा, कितने और दिखाएं ये उसके बाद। एक और चीज अपनी मिस्टेक, लेकिन एक मिनट सर
आज तो हमें बोलने दें, बोलने दें। नहीं, मैं एक जो बात करने जा रहा हूँ, ठीक है अपनी मिस्टेक हमने देख ली, लेकिन जो क्रेडिट जाता है विराट कोहली को और हार्दिक पांड्या को, उसको कुछ ले थोड़ी सकते, उन्होंने गलतियां करवाई इन लोगों से। चल एक और चीज़ मेरी मासूम आदमी की, मेरा नहीं ख्याल है, मैंने जिंदगी में T20 में विराट कोहली जो आज बैट्समैन जो थे उनको ऐसे एक को दो बनाते देखा। हम वहाँ पे मिसिंग ग्राउंड नहीं, तीन बने, लेकिन सर हमने नहीं बनाए ना। अभी पाकिस्तान के कितने मैच बाकी हैं? अभी तो बहुत हमारे कितने बाकी हैं? चार मैच और बाकी हैं। आप रिजवान को 14 ओवर तक खेलने दें, फिर आप देखिएगा सर। लेकिन कमाल था, मान जाए सर, लेकिन आज मजा आया मैच देखने में, हर कोई सीखता रहता है। लेकिन आज सर एक जो इफ्तिखार, ये मैच सिखा के गया सर। लेकिन आज इफ्तिखार भाई ने जो छक्के छोड़ दिए, बहुत छक्के छोड़ दिए, जो आज उन्होंने वो स्क्वायर मारी है ना, वो देखिए जहाँ पे पॉइंट डॉग, वो जहाँ पे आप इतना क्रिटिसिज्म होता है वहाँ पे तारीफ बनती है। आज इफ्तिखार ने जिस किस्म की इनिंग खेली, जितनी इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान की कि ये ऑस्ट्रेलिया जाके खेलेंगे, इनकी वजह से कुछ कुछ नहीं, ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड अच्छा है नहीं, और इस उम्र में 40 साल की उम्र में परफॉर्म करने के ऑस्ट्रेलिया में ना करूंगा तो नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में तीन इनिंग्स खेले इफ्तिखार भाई, एक 65 की है, एक 45 की है, एक 51 की है, तीनों पाकिस्तान मैच हार गया। नहीं हार रहे, अच्छा हार गया ना, लेकिन देखें अब सिलसिला ये है कि जो बहुत अच्छा खेला, आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है कि बहुत सारे और लोगों की बात हो रही थी कि उनकी उनको खिलाया जाए, लेकिन इनको इस प्रीमिस के ऊपर, और इफ्तिखार इज एन आफ्टर थॉट, ये प्लान्स में नहीं थे, प्लान्स में नहीं थे, नहीं 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 प्लान्स में नहीं थे, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है जी। 33 प्लेयर्स के जून में जुलाई में जो आए, और उसके बाद ये हुआ कि नहीं हमें ऑस्ट्रेलिया लग रही है सर, ये आफ्टर थॉट नहीं है, ये आफ्टर थॉट ही, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। क्या वर्ल्ड कप खिला रहे हैं एक लड़के को, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शेम क्या है? आगे चले, इसमें शेम कहां है? बहुत शेम है, आगे चले, ठीक है। तो बस लोग अब तो ये विनर कौन है यार कल के सर, एक जो मुश्किल इन्होंने सवाल पूछा था इन्होंने, वो 3532 सही जवाब आ गए थे। यही तो कनेक्ट करने का तरीका, वो भी मेरे ऊपर है। आप ऊपर एक बात चीज़ आप दोनों पे, वो मैंने क्यों गला पुआ रहे हो? टीशर्ट भेजो, वो मैंने ट्वीट कर दें डायरेक्ट कि हमारी टीशर्ट नहीं मिली डॉक। नहीं डॉक, ये काम तो वैसे आपका ही है। नहीं मैं कह रहा टीशर्ट देने के लिए, टाकियां लगाने के लिए, इनके पास आ रही है एड्रेस, ये लिख रहे हैं अपने। अच्छा जी विनर हैं जी, हमने पूछा था कि मतलब मैंने तो नहीं पूछा था, इन्होंने पूछा था कि 2021 रिकॉर्डेड है। अब्दुल राफी साहब मुबारक हो आपको, न्यूजीलैंड का टिकट आपका हुआ। वो न्यूजीलैंड आपने बताया था कि जी लूजिंग फाइनलिस्ट था 2021 का, कौन सी दो टीमें फाइनल में पहुंची थी। ये तो शुक्र है इन्होंने ये नहीं पूछ लिया कि अपना 1975 में सेमीफाइनल की चार टीमें कौन सी थी। सवाल आज बताएं यार, ये कोई सवाल है यार, मैं उठ के चले जाऊंगा यार, ये बच्चे बच्चे को पता है डॉग, अगर हमें पहले पता तो मैं ऐसे सवाल और लेके आता। और इन्होंने दो दफा किया हुआ है, तो who holds the record for best लेकिन best bowling performance एक ही दफा होती है। एंड प्लस ये है कि प्रॉबेबली हारिस रऊफ अगर इनको पीछे ना छोड़ गए या शाहीन शाह अफरीदी, तो ही वाज द बेस्ट T20 इंटरनेशनल फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान। आप जुड़े रहे, बहुत जबरदस्त मैच देखने को मिला और अमेजिंग विराट कोहली, वेल डन। वी फॉरगॉट इन द मिडिल कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, व्हाई? बिकॉज जो आपका ग्लेशियल काम था, कमाल चल रहे थे हार्दिक पांड्या के साथ, कमाल हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, ये कॉन्फिडेंट हो गया। मैं जाने वाला नहीं हूँ कामी साहब, बैठे